हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम असाइनमेंट्स के ऊपर बात करेंगे फॉर सेकेंड सेम फॉर द सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो असाइनमेंट्स है वो आपके पोर्टल पे अवेलेबल हैं। आपके 30 मार्क्स के असाइनमेंट्स है जिसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आर ऑफ 10 मार्क्स। थर्ड क्वेश्चन इज हैविंग 2 पार्ट्स, थर्ड ए एंड थर्ड बी ऑफ 5 5 मार्क्स। द मैक्सिमम वर्ड लिमिट इज 1000 वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन। थर्ड ए के अगेन 500, थर्ड बी के 500, अगेन थर्ड क्वेश्चन इज 1000 वर्ड्स लिमिट। सो क्विकली देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हमें बुक में से हमें क्या रेफर करना है, कैसे हम क्वेश्चन को लिखेंगे, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। राइट, सो कमिंग टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो इफ वी सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन, then you are appointed as a strategy consultant to an international German luxury brand, Philipp Plein, and wanting to enter the Indian market within a year. The luxury clothing brand offer high-end clothing for men, women, and children. Which one of the portal generic strategies would you choose to be operational in India, and explain the reasons in detail behind you choose your strategy. Once a strategy has been chosen, explain the categories of customers would target along with the price points. Assume that COVID-19 pandemic is over, right? So, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या-क्या लिखना है। तो हम explain करेंगे portal competitive strategies के बारे में। सारी स्ट्रेटजीज को हमें केस स्टडी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें रिलेट करना है, और फाइनली हमें एक्सप्लेन करना है कि कॉस्ट फोकस स्ट्रेटजी जो है वो कैसे इफेक्टिव रहेगी, बिकॉज इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है बिकॉज इट इज़ अ हाई एंड लग्जरी ब्रांड। एंड सेकंड थिंग, इट्स मेंशन के प्राइस पॉइंट्स के रेफरेंस में कौन सी स्ट्रेटजी हम चूज करेंगे। राइट, तो लेट्स सी, रेफर टू पेज नंबर 144। सो इफ वी सी पेज नंबर 144, तो पोर्टल कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज, राइट, तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पोर्टल कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, कॉस्ट लीडरशिप क्या रहती है, डिफरेंशिएशन क्या रहता है, कॉस्ट फोकस क्या रहता है, इसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। राइट, तो ये पूरी चीजें, डिफरेंशिएशन, फोकस आपका क्या रहेगा, ठीक है, इन सबको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड देयर बाय वी जस्ट नीड टू कंक्लूड के विच ऑफ द स्ट्रेटजी विल बी द बेस्ट वन टू जस्ट ग्रो द बेस्ट इन द मार्केट। राइट, अब इट प्योरली डिपेंड्स आप कैसे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। राइट, आप डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन इट्स अ क्वाइट डिफरेंट स्ट्रेटजी जो कि आपको लग्जरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। सो इट प्योरली डिपेंड बिकॉज हर बंदे का अपना परसेप्शन है। मे बी यू कैन चूज वन और टू स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन योर नीड्स, बट लाइक आई एम चूजिंग द डिफरेंशिएशन टेक्निक बिकॉज दिस इज सिंपली के जैसे इसमें के लिए एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे आपका BMW हो गया, Apple हो गया, दीज आर द लग्जरी ब्रांड। सो इन सिमिलर पैटर्न दिस इज ऑल्सो बीइंग मेंशन दैट जो Philipp Plein है वो एक आपका एक लग्जरी ब्रांड है। तो आई एम चूजिंग द डिफरेंशिएशन टेक्निक कॉस्ट परस्पेक्टिव से हम कॉस्ट फोकस और कॉस्ट बेनिफिशियल जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज ऑल विच वी नीड टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन। Moving to the second question, an international MBA university by the name of INSEAD, located in France, with wishes to enter in India to set up a campus. Conduct a pestle analysis for INSEAD in India and suggest whether INSEAD should enter India or otherwise. Please assume that COVID-19 pandemic is over. Right. So, इसके लिए हमें pestle analysis के बारे में explain करना पड़ेगा. Again, we just need to give an introduction of pestle analysis, relate all the factors with respect to the INSEAD planning to enter India. Refer to page number 68. So, going to page number 68. Okay. So, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको पूरा एक pestle analysis provide किया गया है, जो कि आपका steep analysis जिसके अंदर हम define करते हैं, right? तो इसके अंदर हम पूरा डिफाइन करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स को हमें कंसीडर करते हैं बिकॉज अगेन इट्स अ ब्रांड विच इज नॉट फ्रॉम इंडिया। राइट, दे आर प्लानिंग टू एंटर इनटू द इंडिया, तो अगेन इट्स अ ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, सो वी जस्ट नीड टू कीप ऑल दीज फैक्टर्स एंड ऑल द चैलेंजेस इन अवर माइंड एंड नीड टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन based on these parameters, right?
सो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा हमें पेस्टल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा एंड इट्स मोर और लेस इट्स मोर और लेस एजुकेशनल यूनिवर्सिटी और यू कैन से एजुकेशनल सेक्टर, तो हमें थोड़ा सा इसे एजुकेशनल सेक्टर से रिलेट करना पड़ेगा, राइट। मूविंग टू द थर्ड एक क्वेश्चन, यू आर द सीईओ ऑफ अ यूएस बेस्ड ऑटोमोबाइल ऑटोमोटिव अ मेजर फोर्ड मोटर्स इन इंडिया, योर कंपनी इज फेसिंग थ्रू राइवल्स लाइक हुंडई एंड किया मोटर्स, यू हैव बीन ऑपरेटिंग इन इंडिया सिंस सेवरल ईयर्स, ड्यूरिंग 2021 देयर इज अ स्टेडी डिक्लाइन इन द रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, योर मार्केट शेयर इज ऑल्सो बीइंग फॉलन फ्रॉम 4.69 टू 3.31% ड्यूरिंग 2021, योर कंपिटिटिव्स आर ईटिंग इन टू द मार्केट शेयर स्लोली एंड स्टेडली ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक टाइम्स, प्लीज एज्यूम दैट पेंडेमिक इज ओवर, व्हाट अनाउंस स्ट्रेटेजीज कुड यू सजेस्ट टू अरेस्ट द डिक्लाइन ऑफ रेवेन्यूज एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर कंपनी, राइट। तो इट्स सिंपल कि कंपिटेटिव मार्केट है, ऑब्वियसली एक बहुत पुरानी कंपनी है जो जिसका मार्केट पे जो बहुत ही शेयर होल्डिंग बहुत अच्छा था, बट आफ्टर कमिंग ऑफ द न्यू ब्रांड्स हुंडई किया मोटर्स धीरे धीरे जो उसका रेवेन्यू है प्रॉफिटेबिलिटी वो कम होती जा रही है। सो हमें कंपिटेटिव स्ट्रेटेजीज को माइंड में रखते हुए हमें इसे एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू इंक्रीज द ओवरऑल रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, राइट। इट्स अ मिक्स वन, बहुत चीजें हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। लेट्स सी वन बाय वन, लाइक सबसे पहले अगर हम बात करें सो पेज नंबर 5, गोइंग टू पेज नंबर 5, सो गोइंग टू पेज नंबर 5, इन पेज नंबर 5 देयर आर वेरियस स्ट्रेटेजीज ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लाइक जो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, एक्सटर्नल ओरिएंटेड प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट करना है, इन्हें हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है, राइट। आफ्टर दैट मूविंग टू पेज नंबर 19, सो पेज नंबर 19, इन पेज नंबर 19 अगेन इट्स मेंशन द थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, कॉर्पोरेट बिजनेस एंड द फंक्शनल स्ट्रेटेजीज, उन्हें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। Then moving to page number 78. So if we see the page number 78, so Porter approach to industry analyst जो कि हम पहले वाले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, थोड़ा सा हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज इट्स मोर और लेस अबाउट द प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फैक्टर्स, तो थोड़ा सा हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट। मूविंग टू पेज नंबर 105, सो पेज नंबर 105, सो पेज नंबर 105 यूजिंग रिसोर्स कैपेबिलिटीज टू गेन द कम्पिटेटिव एडवांटेज, तो कैसे हम कंपटीशन में अपना एडवांटेज दिखा सकते हैं बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द कंपटीशन, सो हमें कहीं ना कहीं वी शुड बी एट सम एन अपर एंड, राइट, तो वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन मूविंग टू पेज नंबर 138, तो 138, तो 138 पेज में वी जस्ट नीड टू डिफाइन द कंप्लीट बिजनेस स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन जो कि आपका स्वॉट एनालिसिस है, आपकी कंपनी के स्ट्रेंथ को आपको और बढ़ाना पड़ेगा, वीकनेसेस को कम करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैप करना पड़ेगा, थ्रेट्स को रिमूव करना पड़ेगा, सो स्वॉट एनालिसिस हमें डिफाइन करना पड़ेगा। एंड फाइनली कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑन पेज नंबर 255, यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं डाउन साइजिंग की, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, लाइक अननेसेसरी वर्क को हम हटा सकते हैं, अपने वर्क को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज रेवेन्यू आपको ओवरऑल अगर हम देखें तो क्वेश्चन की डिमांड भी यही है कि आपके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, तो या तो हम जो रॉ मटेरियल जो इनिशियल कॉस्ट है उसको कम करें ताकि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, प्लान फॉर लॉन्ग टर्म एफिशिएंसीज, कम्युनिकेट द रीजन फॉर एक्शन, इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्ट इन द रिमेनिंग एम्प्लॉयज, डेवलप वैल्यू एडेड जॉब्स टू बैलेंस द वर्क, सो इनको हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, विच विल लीड टू डिक्रीज द कॉस्ट एंड इंक्रीज द ओवरऑल रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। बीइंग द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द ऑटोमोबाइल सेक्टर, सो हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर को माइंड में रखते हुए ये सारे फैक्टर्स को हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। मूविंग टू द थर्ड बी क्वेश्चन, इन योर ओपिनियन वुड इट बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट परस्यू टू अ जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजी और शुड फोर्ड मोटर्स गो इट अलोन इन इंडिया, इफ यस स्टेट द रिस्पॉन्स विद अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन एंड रीजंस एंड विद विच वेंडर, इफ नो स्टेट योर रिस्पॉन्स विद अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन एंड रीजंस, राइट। ऑब्वियसली बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, बुक में आपको जॉइंट वेंचर के बारे में एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आप उसको रेफर कीजिए, और बाद में इट्स प्योरली अप टू यू के आप क्या प्रेफर करते हैं, यू वॉन्ट टू गो विद अ जॉइंट वेंचर, इट्स नॉट लाइक अ स्ट्रेट फॉरवर्ड के द आंसर शुड बी आई दे येस और नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इफ आई फील के यार जॉइंट वेंचर होना चाहिए, मे बी सम अदर स्टूडेंट विल फील के जॉइंट वेंचर नहीं होना चाहिए, राइट। सो बेस्ड ऑन यूर अंडरस्टैंडिंग यू कैन
राइट इट एनी वे, आइदर इट्स अ प्लस और इट्स अ माइनस, राइट, बट यू जस्ट नीड टू जस्टिफाई इट, राइट। सो अगर हम इसकी बात करें, सो पेज नंबर 144, सो इफ यू गो टू द पेज नंबर 144, सॉरी इट्स पेज नंबर 154, सो जॉइंट वेंचर का आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये डेफिनेटली आप बुक में से रेफर कर सकते हैं, बट बिसाइड्स दिस टू हूम इट शुड कोलैबोरेट, टू हूम इट विल बी अ प्रॉफिटेबल वन, और आइदर देयर शुड बी नो joint venture between Ford with some other company, so you just need to explain all this stuff, ठीक है। थोड़ा सा आपको गूगल टिक करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि joint venture will be a profitable situation for this Ford Motors or not, right? So this is all about our strategy management assignment. So if you have any doubts or facing any issue related to this assignment or maybe some other assignment, you can just ping me anytime or feel free to connect to me at ngsc.mba@gmail.com. If you like this video, do like, do subscribe and stay connected for more videos. Thank you so much.